शांत होटल बैंक्वेट और रेस्टोरेंट नेशनल हाईवे विजयपुर। पार्टी हो या कोई भी ओकेजन, सेलिब्रेट करें ईशांत होटल के साथ। तभी तो आप कहेंगे कम दाम और बढ़िया काम। ईशांत होटल बैंक्वेट और रेस्टोरेंट विजयपुर जम्मू। जेएलके मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल पीडीपी की, जो पूरी तरीके से अब भंवर में फंस चुकी है और उसके लिए दिन प्रतिदिन ये भंवर बढ़ता जा रहा है। आज पीडीपी को एक बहुत बड़ा और झटका लगा जब उनके एक पहले वो मेंबर जो फाउंडर मेंबरों में थे खलील बंद, जो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के प्रभारी थे और पूर्व विधायक रहे हैं, जिनका बैकबोन कही जाती थी पीडीपी में, वो आज रिज़ाइन कर गए। इससे पहले अनेकों प्रमुख नेताओं ने पीडीपी से रिज़ाइन कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता पीडीपी बिखरती जा रही है। उसका जो परिणाम है वो हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव में मिला, जब कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना प्रभुत्व बना गई और स्वयं पीडीपी की प्रधान सुश्री महबूबा मुफ्ती, जो दक्षिण कश्मीर से चुनाव लड़ी थी, बुरी तरीके से पराजित हो गई। यही उनका हाल बारामूला और श्रीनगर में हुआ। इससे पहले भी प्रमुख पीडीपी के नेता पार्टी को छोड़ चुके थे, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर सैयद अल्ताफ बुखारी, जो अमीरा कदल से थे, और हब्बा कदल के जोनल प्रेसिडेंट अशरफ डार भी पार्टी छोड़ गए थे। तीन बार लगातार बने हुए विधायक जावेद मुस्तफा मीर भी पार्टी छोड़ गए। और इसी तरीके से पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री हसीब द्राबू, जो फार्मर लॉ मिनिस्टर थे, वो भी पार्टी छोड़ गए। और इसके साथ मोहम्मद हुसैन, जो पीडीपी की बैकबोन कहे जाते थे, और आईएएस अधिकारी महबूब इकबाल भी पार्टी छोड़ चुके हैं। इसी तरीके से पीडीपी के जो लीडर उड़ी से थे, एक राजा खानदान से थे और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिटायर हुए थे, राजा एजाज़ अली खान, वो भी पार्टी छोड़ गए। यहीं बस नहीं, पीडीपी के वरिष्ठ नेता, जम्मू डिवीज़न के नेता बशीर अहमद रवनियाल, जो आईएएस अधिकारी थे, वो भी पार्टी को अलविदा कर चुके थे। इससे पहले पार्टी के लीडर निसार अहमद मांडू, उन्होंने भी पार्टी बहुत पहले छोड़ दी थी। इसी तरीके भद्रवा जोनल प्रधान ठाकुर युद्धवीर सिंह ने मार्च 1, 2019 को पार्टी को अलविदा कर दिया था। और इसी तरह इरशाद रसूल कार, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए थे, वो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से। आपको बताते चलें, एक समय में महाराजा करण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह भी पीडीपी से थे और वो एमएलसी थे। उनकी मांग थी कि महाराजा हरि सिंह के दिन को अवकाश दिया जाए, उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने 22 अक्टूबर 2017 को त्याग पत्र दे दिया था और कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। अब जिस तरह का कर्नाटक की हालत हुई है और टीडीपी की हालत राज्यसभा में हुई है, लगता है कहीं पीडीपी के साथ भी ऐसा ना हो जाए। पीडीपी के दो राज्यसभा के सदस्य हैं, पी नज़ीर अहमद लवे और दूसरे उनके लीडर हैं फयाज अहमद मीर। हालांकि अभी जो राज्यसभा में चर्चा हुई है, उनकी कारगुजारी देखकर अनेकों प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। क्या वो लगातार पीडीपी में रहेंगे या कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि दो ही पीडीपी के नेता हैं। अगर विधानसभा की बात करें तो पीडीपी का अच्छा खासा प्रबंध था और 28 सीटें ली थी और तभी भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी। मगर जिस तरीके के हालात हो गए हैं, उससे ये लगता है पीडीपी के लिए मुश्किलें और लगातार बढ़ रही हैं। और कई वरिष्ठ नेता, जिसमें अंसारी भी थे, शिया लीडर थे, वो भी पार्टी छोड़ गए हैं। इनमें से कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं और कुछ पीपल कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं। कुल मिलाकर इस समय एक भंवर जाल में फंसी हुई पीडीपी और फंसती जा रही है। न जाने कौन नया त्याग पत्र दे दे। जो भी स्थिति इस बारे में होगी, हम आपको लगातार अवगत करवाते रहेंगे। इस कार्यक्रम में यही बस। नमस्कार।